तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे पहाड़ी फूडी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं हम मेथी के परांठे। दोस्तों आपने वैसे तो मेथी के परांठे, आलू परांठे, पनीर परांठे, मूली के परांठे आदि खाए होंगे, तो वैसे ही आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मेथी के परांठे। और इसमें किस किस सामग्री का उपयोग होता है इसे भी आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक मूली के परांठे की वीडियो को नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक को खोल सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले बारीक कटे हुए मेथी लेंगे। इन बारीक कटे हुए मेथी को हम आटे के ऊपर डाल लेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए हरी मिर्ची भी डालेंगे। अगर आप लहसुन डालना चाहते हो तो बारीक कटे हुए लहसुन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, अजवाइन को हाथ से मसल कर फिर इसमें डालेंगे। जिस समय आप हाथ से मसलेंगे तो उस टाइम अजवाइन अपना खुशबू छोड़ेगा। इसको हाथ से ऐसे अच्छे ढंग से मसल के फिर इसको मेथी के उसमें डाल लेंगे। मसाले की बारी, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। मसाला डालने के बाद हमने 2 से 3 चम्मच घी लिया है। घी को हमने गरम करके पिघला रखा है और हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे और फिर हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर आटे को गूंदेंगे। और आटा गूंदने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख लेंगे। तो चले दोस्तों, आटे को हमने गूंद के 5 मिनट के लिए ऐसे रखा है ताकि आटा थोड़ा नमी हो और बनाने में हमें इजी हो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है आटा, इसलिए हमने ऐसे ही 5 मिनट के लिए रखा। तो चलिए बनाते हैं हम इसे। आटा हम सूखा आटा धीरे धीरे बीच बीच में लगाते रहे ताकि ये चिपके नहीं बेलन पे। अगर आप नॉर्मल रोटी बनाना चाहते हो मेथी के, आप बना सकते हो। घी में बनाना चाहते हो घी में भी बना सकते हो और तेल में बना सकते हो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, हर घर में यह बनती है। इसको एक साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम घी लगाएंगे। एक साइड से पक के हमने दूसरे साइड पलट दिया, अब फिर हम इसमें घी लगाएंगे। और ज़्यादातर लोग इसे नाश्ता में खाना पसंद करते हैं, चाय और मेथी के परांठे हो तो इसका स्वाद अलग ही अंदाज में आता है। और दोस्तों हाँ, ध्यान दीजिए, इसको धीमी आंच पे ऐसे पकाते रहना। धीमी आंच पे, गैस को धीमी आंच रखें और फिर इसके ऊपर घी लगाएं। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाते हैं। बस इसमें मेथी और आटे का क्वांटिटी को हमको बैलेंस करना पड़ता है, बाकी बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये छोटी सी एक इजी सी रेसिपी आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर और पहाड़ी फूडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।